उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जमीनी विवाद को लेकर 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। जमीन विवाद के चलते इस गांव में जिस तरह से खूनी खेल हुआ, उसे देखकर इलाके में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। इस खूनी खेल में हत्यारों ने ना ही बच्चों को देखा, ना ही महिलाओं को। जो जो सामने आता गया, उनको मौत के घाट उतारते गए। वहीं इस हत्याकांड को लेकर प्रेमचंद यादव की पत्नी शीला यादव ने कहा, हम चाहते हैं कि अब उनका पूरा परिवार साफ हो जाए। हमारी 3 बेटियां हैं, हम इन्हें कहां लेकर जाएं? हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं था, जमीन विवाद कई दिनों से चल रहा था। वो यानी कि प्रेमचंद यादव अकेले गए तो उनको मार दिया। इतना कहते हुए शीला यादव रोने लगी। वहीं बता दें आपको कि प्रेमचंद यादव की पत्नी शीला यादव ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि सोमवार की सुबह उनके पति के पास फोन आया था, तो उन्होंने हमसे कहा कि चाय ले आओ। हम चाय लाए, तब तक वो बाइक लेकर अकेले ही निकल गए। इसके बाद वहां पर उनके साथ मारपीट की गई और उनको मार दिया गया।